देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। झूठ बोलो, मजबूती से बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। मैं कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में धरना देंगे, आंदोलन शुरू करेंगे। आपको पता है किसान बिल को लेकर के एक तरफ जहां पूरे देश के किसानों में उबाल है, पंजाब और हरियाणा के जितने किसान हैं वो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो है वो कह रही है कि हम बैठ कर वार्ता करेंगे। कई चरणों में हम देखें तो वार्ता हुई भी है लेकिन अभी तक कोई फलाफल निकल कर सामने नहीं आया है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी अब किसानों की आवाज़ को उठाएंगे, कल से शुरुआत करेंगे, आंदोलन करेंगे, कल गांधी मैदान में धरना होना है। क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, जरा सुनिए। ये पीढ़ियों की बात है, जहां 70-80% देश हमारा डिपेंडेंट एग्रीकल्चर क्षेत्र में है, तो क्या भयावह स्थिति होगी। हम लोगों को भविष्य की भी चिंता करनी चाहिए, इसलिए हम लोगों को लगा कि हम बिहार के किसानों और बिहार के संगठनों से आपके माध्यम से अपील करें कि सब लोग एकजुट होकर के सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को जो है मजबूत करें। और हम लोगों का दायित्व ज़्यादा बनता है, सब लोग हमारे पार्टी के लोग लगातार हम लोग इस चीज़ों को देख रहे हैं और हम लोगों ने विमर्श भी किया है सभी नेताओं के साथ। कल हम लोगों ने धरने का प्रदर्शन करने का फैसला किया है और जगह और समय जो है आपको कुछ देर में आप लोगों को बता दिया जाएगा। आप ही बता दें। नहीं, पटना में क्योंकि गांधी मैदान में कल 10 बजे से धरना, राष्ट्रीय जनता दल गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास, क्योंकि ये गांधी के विचारों पर सबसे बड़ा हमला है और जिन्हें सबसे बड़ा आधार भारत का मानते थे, गांव को, खेती को, किसान को, उस पर ये हमला है, इसलिए प्रतीकात्मक हम सब जी का नेतृत्व में कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी। गांधी जी का जिक्र चला, आप लोग सब लोग जानते हैं गांधी जी को महात्मा चंपारण की धरती ने बनाया। नील की खेती जो अंग्रेजों का द्वारा जो कराया जाता था, आज तकरीबन वही स्थिति है कि आपको मजदूर भी बना करके छोड़ा जाएगा, आपको काम करना है लेकिन उनको सम्मान और अधिकार जो बनता है वो नहीं दिया जाएगा। तो एक बड़ा विषय हम लोगों के सामने है और हमको लगता है कि सरकार जब कहती है तो लिखने में, लिख के देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सरकार ऐसी हो रही है, बिहार की सरकार मुख्यमंत्री जी को देख लीजिए भाई, सदन में आप सब लोगों ने रिकॉर्डिंग देखा होगा, कमिटी बनाने की बात की गई थी कोरोना को लेकर के, सदन को ही जब झूठ और गुमराह कर दिया जाता है, जहां बातें नहीं सुनी जाती है, केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे। लगातार हम लोगों का गला फट गया चीख चीख करके, कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिलता। अगला सत्र में मिलेगा जवाब। अरे जवाब होगा तब तो मिलेगा। तो ऐसे सरकार जो झूठी सरकार हो, सदन को ही गुमराह किया जाता है। मतलब पहली बार एक परंपरा चल पड़ी है एनडीए सरकार में, झूठ बोलो, मजबूती से बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। जमीनी स्थिति क्या है, हकीकत क्या है,
जो अधिकारी दिया उसको पढ़ करके बोल दिया गया, मास्क मत लगाओ, ये मत लगाओ, वो मत लगाओ। फिर बोलते हमने तो बोला ही नहीं, जो दिया वो पढ़ लिया, वही काम हो रहा है। आप किसके लिए हैं? आप देश की जनता के लिए हैं, बिहार की जनता के लिए हैं। जब बिहार की जनता परेशान है तो आप उस पर लाठी चार्ज करवाते हैं, किसानों पर, नौजवानों पर। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों को लगा कि आप लोगों को बुला करके इसका जिक्र हम सब लोगों को करना चाहिए। कृषि बिल को लेकर के उसके विरोध में हम लोगों ने 25 सितंबर को सड़कों पर प्रदर्शन किया था। मैंने खुद भी ट्रैक्टर चलाने का काम किया था और ये विषय सिर्फ बिहार के सामने ही नहीं बल्कि पूरे देश के सामने आया। फिलहाल के दिनों में जब से ये मौजूदा सरकार, एनडीए सरकार, मोदी जी की सरकार चल रही है, तब से आप लगातार देखेंगे जितने भी एयर इंडिया हो, रेलवे हो, आपके भारत पेट्रोलियम हो, सारी चीज़ों को जो है बीएसएनएल हो, एलआईसी हो, सबका जो है निजीकरण किया जा रहा है, प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। हम बिहार के किसानों और किसान संगठनों से हम अपील करना चाहते हैं, चाहे वर्तमान का सवाल हो या आने वाली पीढ़ियों की बात हो या भविष्य की बात हो, हम सब लोगों से अपील करेंगे कि इस काले कानून के खिलाफ आप सब लोग सड़कों पर आएं और इस आंदोलन को आप मजबूत करें। आप चाहे देखेंगे, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, सारे किसान जो हैं, चाहे वेस्टर्न यूपी के हों, देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। और ये वही सरकार है जो 2022 तक वादा किया है कि किसानों का जो है आय जो है दुगुना किया जाएगा। अब ये किसी के समझ के पड़े है कि जो MSP है, न्यूनतम समर्थन, जो आपका मूल्य जो है, उसको ही समाप्त करने के बाद किसानों का आय दुगुना कैसे होगा? तो आपने बातों को सुना है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार पर झूठ का, फरेब का आरोप लगाया है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने हैं, कल जब धरना होगा, कहा यह भी कहा जा रहा है कि महागठबंधन के तमाम जितने घटक दल हैं वो भी वहां पर मौजूद होंगे, तो क्या एक बड़े पैमाने पर धरने की शुरुआत होगी कल पटना के गांधी मैदान में? तस्वीरें जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। देश भर में किसानों में बड़ी नाराजगी है मौजूदा सरकार से। केवल मीडिया में बैठ करके हवा बनाया जाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोग विश्वास कैसे करेंगे? झूठ बोलो, मजबूती से बोलो, शानदार बोलो और बार बार बोलो। कल धरना के माध्यम से गांधी मैदान के गांधी जी के मूर्ति के पास से शुरू होगी।